नगर पालिका की लापरवाही किसानों पर भारी। सब्जी की फसल में भरा दूषित पानी। गांव में चरमराई सफाई व्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बुलंदशहर में नगर पालिका परिषद की लापरवाही का दंश चांदपुर के ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। गांव से होकर गुजर रहे नाले में गंदगी अटी होने के कारण नाले का गंदा पानी किसानों के खेतों में भर रहा है, जिससे खेतों में उगी सब्जी की फसल बर्बाद हो रही है। इस नाले में लगे गंदगी के अंबार के कारण गांव में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका के इसी लापरवाही के चलते गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बुलंदशहर नगर पालिका का वार्ड नंबर 10, जहां चांदपुर नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी का प्रकोप झेल रहा है। गांव के अंदर भारत गैस एजेंसी से लेकर बम्बे के निकट तक पानी निकासी के लिए नाला बुरी तरह गंदगी से अटा हुआ है। कई बार पालिका कर्मियों को सूचित करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी निराकरण नहीं किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वहीं इस गंदे पानी के कारण गांव में मच्छर व हानिकारक कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे पूरे गांव में डेंगू का भय भी उत्पन्न हो गया है। गांव के रास्तों की सफाई की उचित व्यवस्था भी नगर पालिका द्वारा नहीं कराई गई है, जिससे यहाँ के ग्रामीण खुद को नगर पालिका क्षेत्र से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, दैनिक भास्कर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज जनपद बुलंदशहर के नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 10 की हकीकत क्या है और क्या है नगर पालिका की अपनी लीपापोती। हालांकि सुर्खियों में ये देखने को मिलता है कि करोड़ों का बजट पालिकाएं साफ सफाई के नाम पर ले जाती हैं, किंतु उनका क्या सही तरह से उपयोग किया जा रहा है। आज धरातल पर आपको दिखाते हैं नगर पालिका की हकीकत। मैं वार्ड नंबर 10 गाँव चांदपुर में खड़ा हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ ये पानी निकासी किस प्रकार नाले को रोका गया है। इसका भी कारण ये बैठ रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के यहाँ फसल हैं और पानी ओवर होने के कारण किसानों को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि ये भी बताया गया है कि कई बार इस विषय की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पालिका के जू तक रैंक नहीं पाई है। इसी के साथ गांव के कुछ यहाँ व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हुई है और इनको क्या समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महिपाल सिंह जी। इस गाँव की वार्ड नंबर 10 की मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमने नगर पालिका ईओ को भी कंप्लेंट डाली, इंस्पेक्टर को भी, और जो हमारे यहाँ का चेयरमैन है मनोज गर्ग, इनको भी। कितना समय हो गया आपको शिकायत करें? शिकायत करके हमें हर महीने की हम एप्लीकेशन डालते हैं। पिछली साल भी हमने करा था, इनका बहुत हमने प्रदर्शन दिखाया इनको, पिछली बार पत्रकार बुलाए इस नाले की समस्या को लेकर, लेकिन नाले की अभी तक कोई समस्या हल नहीं हो पाई। और ये हम किसानों का कुछ खेत है जो ये पड़े हैं, इसमें ये भारी मात्रा पानी भरा हुआ है और इतना नुकसान हो रहा है कि डेंगू की इससे बीमारी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लेकिन आगे जाकर वो नाला कतई बंद पड़ा है। पानी को लेकर बहुत गंभीरता से लोग परिवार को अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन क्या करें, पानी की समस्या को बहुत परेशान इस समय। नगर पालिका से एक ही अनुरोध करते हैं हम, बीजेपी ने हमारे वार्ड नंबर 10 के लिए कम से 2 करोड़ रुपये आया था, ये हमें ये बता रहे 2 करोड़ रुपये लगा कहाँ। और जानकारी लेते हैं, क्या नाम है आपका? आप क्या कहेंगे समस्या को लेकर? समस्या नाले को साफ कराएं, खेतों का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, पूरे किसानों का, इसको सफाई कराएं तो पानी निकल जाएगा। अच्छा, इस क्षेत्र में जितने भी मकान अधिकतर बने हुए हैं, क्या नगर पालिका हाउस टैक्स वाटर टैक्स सबसे ले रही है? सबसे ले रही है, दूरे दूरे दिए हैं, और उसके बाद बावजूद भी कोई साफ सफाई पर ध्यान नहीं हो रही। ये नगर पालिका बुलंदशहर के लिए बहुत बड़ा दाग है, और यह दाग जब तक नगर पालिका ठीक तरह से नहीं धो पाएगी तब तक दाग कभी मिटने वाला नहीं है। गांववासी ज्यादा परेशान है, किसान परेशान है, बीमारियां हो रही हैं, और सरकार के सख्त निर्देश है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान।